अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्नो जीनियर। आज हम ये देखेंगे कि मैटलैब के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क टूल बॉक्स है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे NN टूल की। ठीक है, हमारे पास टूल बॉक्स खुल चुका है। अब यहाँ पर हमने इनपुट और टारगेटेड वैल्यूज़ को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स बनाएंगे इनपुट और टारगेट वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा सेट मौजूद है, इसलिए ही मेरे पास एक कंप्लीट डाटा सेट है जिसके अंदर 2297 डाटा सैंपल्स हैं। इसको हम डिवाइड करते होते हैं 70% ट्रेनिंग के लिए अलहदा करते हैं और 30% टेस्टिंग के लिए अलहदा करते हैं। अब मैं ट्रेनिंग के लिए इसको अलहदा कर चुका हूँ। ट्रेनिंग के लिए जो मेरे पास डाटा सैंपल्स हैं वो 1608 हैं और जो टेस्टिंग के लिए डाटा सैंपल्स हैं 689 हैं। तकरीबन 70-30 की रेशो बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेनिंग डाटा सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट, अब ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग में जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो हम क्या कर देंगे कि इसके जो फाइव डिफरेंट वैल्यूज़ हैं मेरे पास, फर्स्ट फोर कॉलम्स हैं उनको मैं इनपुट पैरामीटर्स या फोर इनपुट पैरामीटर्स को फोर पैरामीटर्स इनपुट के लिए यूज़ करूँगा। तो मैंने फर्स्ट फोर कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, इसको कॉपी किया हमने और हमने यहाँ पर इसको इनपुट के लिए हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, अभी इसको हमने ट्रांसपोज किया और ये हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स बन गया। इस पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक इनपुट आई मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है, वर्क प्लेस में आप देख सकते हैं। सिमिलरली इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम टारगेट मैट्रिक्स बना लेते हैं उसका। ये मैंने इसको टी का नाम दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो टारगेट रिजल्ट्स हैं उसका मैं अलहदा से एक मैट्रिक्स टी के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम NN टूल को दब की तरफ जाते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इंपोर्ट करनी है वैल्यूज़। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट को हमने सेलेक्ट किया आई। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर दिया, ये इंपोर्ट हो गई। सिमिलरली टारगेट वैल्यूज़ को यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने टारगेट टी को सेलेक्ट किया, इसके यहाँ पे हमें इम्पोर्ट कर लेना है। ओके, याद देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मैटलैब वर्क स्पेस ही सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए मैटलैब वर्क स्पेस ये हमें वैल्यूज़ की ऑप्शन दे रहे हैं, हम यहाँ से हम उठाएंगे इन वैल्यूज़ को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे न्यू नेटवर्क जनरेट करना है। अब इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसका नाम नेट दे दिया। यहाँ से आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने सफीफा और ब्रैक प्रोपगेशन ही हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पास टारगेट वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पर आप ट्रेनिंग फंक्शन चूज़ कर सकते हैं। वहाँ यहाँ जो बाई डिफ़ॉल्ट मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, मैं इनको चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पर इनपुट दो, यहाँ पर जो इनपुट नंबर ऑफ लेयर्स है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट टू लेयर्स हैं। टू लेयर्स का मतलब ये होता है कि एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। ठीक है, तो लेयर वन हिडन लेयर है, इसमें आप कितने न्यूरॉन्स चाहते हैं आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे 20 कर दें, 100 कर दें, जितने भी आप करें आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे प्योर लिन के अलावा आप जो हैं वो ट्रांसफर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। लॉग सिग्माइट या टेन सिग्माइट यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। लीनियर एक्सेलरेशन फंक्शन जो है सिर्फ आउटपुट लेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया लेयर वन के लिए टेन सिग्माइट यूज़ कर लिया और लेयर टू के लिए हमने, अब यहाँ देखें लेयर टू चूँकि आउटपुट लेयर है तो यहाँ पर हमेशा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वन ही होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस यहाँ पर प्योर लिन यूज़ कर लिया आउटपुट लेयर के लिए। यहाँ पर हम इसको क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये क्रिएट हो चुका है, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट ये क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसको ट्रेन पे क्लिक किया, यहाँ पर इनपुट आ गया, यहाँ पे टारगेट को सिलेक्ट किया, ट्रेनिंग पैरामीटर्स आ गए यहाँ पे, मैक्सिमम फेल्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल 100 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास गोल जो है वो ये है कि इसके हमारे पास टारगेट वैल्यू जो है वो जीरो है। जब एरर जीरो हो जाए तब ये ट्रेनिंग रुके, या फिर नंबर ऑफ एपॉक्स जब पूरी हो जाए तब वो ट्रेनिंग रुके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एपॉक्स यहाँ पे 1000 है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे जितनी मर्जी वैल्यूज रख सकते हैं। तो फिलहाल डिफॉल्ट 1000 है तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेन नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, अभी हमारा नेटवर्क ट्रेन होना शुरू हो गया। आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके साथ साथ ट्रेनिंग स्टेट भी देख सकते हैं और रिग्रेशन भी देख सकते हैं। इस वक्त ट्रेनिंग हो रही है।
बेस्ट रिजल्ट आपका ट्रेनिंग का उस वक्त आता है जब यहाँ पे रिग्रेशन की जो वैल्यू है आर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली आर स्क्वेयर की वैल्यू 1 होनी चाहिए यहाँ पे। जो भी वैल्यू आती है अगर उसका स्क्वेयर, जिसको आर कहते हैं, उसकी स्क्वेयर अगर 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो रहा है। यहाँ जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है। अब हम यहाँ पर वेट करते हैं कि ये ट्रेनिंग कब पूरी होती है। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, नंबर ऑफ इपॉक्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और इस वक्त इसका जो एपॉक 10,000 एपॉक्स पे जो एरर है वो कितना है, 1.8527 × 10⁻²−5। अब यहाँ पर नेटवर्क ट्रेन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अब हमने इस नेटवर्क को एक्सपोर्ट करना है, हमने इस नेट को वर्क प्लेस के ऊपर एक्सपोर्ट कर देना है। अब इस ट्रेन नेटवर्क को यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि अब नेटवर्क ट्रेन हो चुका है। अब हमने इसके लिए सबसे पहले टेस्टिंग जो रिजल्ट्स हैं, टेस्टिंग डेटा है, इसको अपलोड करना है। अब इस टेस्टिंग डेटा के हमारे पास जो फर्स्ट 4 कॉलम्स हैं, अगेन ये इनपुट हैं। हम इस ट्रेन नेटवर्क को इस डेटा के साथ कंपेयर, इस डेटा के रिजल्ट उस ट्रेन नेटवर्क के जरिए निकालेंगे और फिर इन वैल्यूज़ के साथ इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसको मैं टेस्ट का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे ट्रेन करना, अभी मैंने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए हम सिमुलिंक के कमांड देते होते हैं। ए, हमारे पास कोई भी, हमारे पास टेस्टिंग रिजल्ट को मैं कोई ए बी सी कोई भी नाम दे सकता हूँ। ए इज इक्वल टू सिम नेट। अब मैंने इस नेटवर्क के किसके साथ टेस्ट करना है, इस टेस्टिंग मैट्रिक्स के साथ टेस्ट करना है, यहाँ पे हम इसको टेस्ट कह देते हैं। इस वक्त ये एक टेस्टिंग रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैंने इसके मुकाबले में जो टारगेट वैल्यूज़ हैं मैं उसका भी एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं जो एयर जो है वो वन एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो मैं इसको, इसका मतलब अब मैं जो टारगेट वैल्यूज का जो मैंने नया मैट्रिक्स बनाया इसका मैं अब ट्रांसपोज नहीं लूंगा, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मेरे पास टारगेट का एक मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है, अब मेरे पास इनका ऑर्डर सेम हो चुका है, ठीक है। अब हम इनको प्लॉट करके देखते हैं। एट अ टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम होल्ड ऑन की कमांड यूज करेंगे। उसका हम कलर जो है वो रेड चूज कर लेते हैं। ये हमारे पास इस वक्त ग्राफ बन चुका है। अगर हमको थोड़ा गौर से देखें, बेसिकली ये दो ग्राफ हैं जो कि बिल्कुल ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास ट्रेंड नेटवर्क की आउटपुट्स और एक्चुअल आउटपुट्स की कंपैरिजन का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ से भी इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि बेसिकली ये दो डेटा का ग्राफ है, जिसमें से जो रेड वैल्यू है ये सिमुलिंक की जो ट्रेंड नेटवर्क की आउटपुट है और ब्लू मेरे पास एक्चुअल आउटपुट है।
अब अगर मैंने इसका एरर निकालना है तो एरर कैसे निकालेंगे हम इसका? हम एरर यहाँ पे निकालेंगे, इन दोनों को वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस एरर को प्लॉट कर लेते हैं। इस वक्त ये मेरे पास इस वक्त एरर है, अब हम देख सकते हैं ये जो एरर की वैल्यू है बहुत ही कम है। इस तरह से ये हम ट्रेन नेटवर्क को टेस्ट भी कर सकते हैं।